मॉर्निंग दोस्तों। तो अभी सुबह के 5 बजे हैं और मैं अभी ब्रश कर रहा हूँ क्योंकि अभी हमको अरकू के लिए निकलना है। हमारा ट्रेन 6:45 पर है, तो इधर रूम से निकल के जाने में भी टाइम लगता है। तो साथ बने रहिए और देखते रहिए। तो मैं अभी रेडी हो चुका हूँ और अभी नीचे चलते हैं, चाय नाश्ता करते हैं। तो देखिए अभी हम ये जो पीछे लॉज है उधर रुके हुए थे, तो निकल के हम अभी स्टेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। सुबह का नज़ारा विशाखापट्टनम का, और ये विशाखापट्टनम स्टेशन का रिजर्वेशन काउंटर है जो 8 बजे से खुलता है, अभी बंद है। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है क्योंकि मैंने विशाखापट्टनम से अरक्कू का पूरा ट्रेन जर्नी जो है वो आप लोगों के लिए स्टेशन की तरफ चलते हैं पूरा वीडियो दिया है। साथ रहिए, बने रहिए। ट्रेन से जाने में जो मज़ा है और इसका जो टनल और ब्रिज आते हैं ऐसा लग रहा है जैसे और नेचर का व्यू देखने से ही बनता है। तो इसी के वजह से आज का वीडियो थोड़ा, अगर किसी को नेचर का व्यू अच्छा नहीं लगता है तो प्लीज़ वो स्किप करके जा सकता है। और अभी हम नाश्ता के लिए रुके हैं इधर। तो एक डोसा 20 रुपये है, अभी नाश्ता करते हैं उसके बाद मिलते हैं। और ये देखिए व्यू, विशाखापट्टनम स्टेशन है। यह है विशाखापट्टनम स्टेशन। तो देखिए यह है विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन और सुबह का नज़ारा। विशाखापट्टनम स्टेशन पर देखिए हम अंदर आ चुके हैं और हमारा ट्रेन 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर रेडी है। तो हम 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर चल रहे हैं, देखते रहिए। देखिए ये चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ है। देखिए चारों तरफ का नज़ारा विशाखापट्टनम स्टेशन के चारों तरफ। देखिए तो ये देखिए ये 6 और 7 प्लेटफॉर्म के लिए इधर से है और ये ट्रेन खड़ी है, ये 6 नंबर प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ये देखिए 18551 विशाखापट्टनम
किरांदुल एक्सप्रेस, इसी ट्रेन से हम सफ़र करने वाले हैं और इसी में विस्टरडम कोच भी लगाया जाता है। देखिए एक लीटर पानी 5 रुपीस करके, मिनरल वाटर। तो देखिए ये पीछे के जो कोचेस है, विस्टरडम कोच है। तो ये इस ट्रेन का फर्स्ट स्टेशन है सिम्हाचलम। तो ये इस ट्रेन का दूसरा स्टेशन कोतावालसा। इस ट्रेन का ये नेक्स्ट स्टेशन है, इसका नाम है सुरुंगावारू कुकोटा और इधर का नज़ारा बहुत ही बढ़िया है। चारों तरफ पहाड़ है, हरियाली है।
देखिए सामने और एक टनल आ रहा है और चारों तरफ का नज़ारा बहुत ही लाजवाब है, हरियाली है चारों तरफ, पहाड़ और इस ट्रेन का जर्नी बहुत ही रोमांचपूर्वक है। देखिए लोगों में कितना उत्साह है जब भी टनल पर आता है।
देखने के लिए हमको इधर ही उतरना पड़ेगा। स्टेशन का नाम है बोरा गुहालू। इधर से 5 मिनट का पैदल का रास्ता है, तो चलते हैं। आप लोग देखते रहिए, साथ रहिए। हमारा ट्रेन भी छोड़ दिया है। से वाइजैक से अरकू का इस ट्रेन का टाइम 4 घंटे का है। तो आप साथ रहिए और व्यूज़ का मज़ा लेते रहिए। बोरा केव देखने के लिए हमको इधर ही उतरना पड़ेगा। स्टेशन का नाम है बोरा गुहालू। इधर से 5 मिनट का पैदल का रास्ता है, तो चलते हैं। आप लोग देखते रहिए, साथ रहिए।